Volley of questions. His words have weight. I know every inch of him. This dictatorship will not do. She is issueless. The tree is bearing fruits. All worship rising sun. Why have you created sin? Who can predict future? Married woman apply vermilion. These are some sentences which we use in our daily life. तो इसी प्रकार के sentences के लिए please subscribe कीजिए पंकज Institute of English तथा इसे ज्यादा से ज्यादा like और share करिए. Let's see volley of question. जब हम किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा एक साथ प्रश्न पूछते हैं तो इसको बोलते हैं प्रश्नों की झड़ी. प्रश्नों की झड़ी इसको बोलते हैं volley of questions. He put the volley of questions when he arrived after a month. जब एक माह बाद वह लौटा तो लोगों ने उस पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी. His words have weight. जब कोई बात ऐसी कहता है कि जो कि ठोस सबूत के साथ होती है, बिल्कुल एक्यूरेट बात होती है, सही सही बात होती है और प्रमाण के साथ with proof with evidence होता है, तब हम कहते हैं कि वो जो कह रहा है his words have weight, उसकी बातों में वजन है. जब आप किसी व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तो कहना चाहते हैं कि मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूँ. किस टाइम पे वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, मैं उसको हर चीज जानता हूँ. आई नो एवरी इंच ऑफ हिम. और जैसा आप कहते हैं वैसा ही दूसरा करे या वैसा ही केवल वैसा ही वो करे, यही कहलाती है तानाशाही. यानी अपना अपना जो है ऑर्डर है किसी पर थोपना. तो दिस डिक्टेटरशिप विल नॉट डू, कहते हैं कि आपकी तानाशाही यहाँ पे नहीं चलेगी, यह तानाशाही नहीं चलेगी. तो इसको बोलेंगे दिस डिक्टेटरशिप विल नॉट डू. दिस डिक्टेटरशिप विल नॉट डू. इशु मतलब संतान, इशुलेस मतलब बिना संतान के. जब हम किसी को बताना चाहते हैं कि उसके कोई भी संतान नहीं है तो बोलते हैं सी इज इशुलेस. सी इज इशुलेस. और आपने देखा होगा नाउएडेज इस समय जो है वो गुआवास का सीजन है और किसी भी गुआवास ट्री के पास से गुजरिए तो उसमें बहुत सारे फल लदे होते हैं. यदि हम किसी को ये कहना चाहते हैं कि पेड़ फलों से लदा है, यानी कि बहुत सारे पेड़ हैं उसमें, पेड़ में फल हैं, तो बोलते हैं द ट्री इज बियरिंग फ्रूट्स. ट्री इज बियरिंग फ्रूट्स. डियर फ्रेंड्स, दिस इज idioms or proverbs you can say. ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति आज के समय में तरक्की करता है, प्रोग्रेस करता है, मेहनत करता है, लोग उसी के बारे में पूछते हैं. उसी के लिए ये कहावत कही जाती है कि all worship rising sun, all worship rising sun, सभी उगते सूर्य को प्रणाम करते हैं. Why have you created sin? जब आपके कारण बहुत सारे लोग उस चीज को देख रहे हों और ऐसा तमाशा लगा रखे हों तो हम कहना चाहते हैं कि why have created sin, आपने तमाशा क्यों मचा रखा है. This, इस छोटी सी बात के लिए आपने तमाशा क्यों मचा रखा है. why have you created sin. और यदि फ्यूचर के बारे में बात करें तो हर व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति अपने फ्यूचर के बारे में नहीं जानता है, ना ही कोई बता सकता है कि आगे क्या होने वाला है. तो इसी को हम कहते हैं हु कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर. हु कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर, भविष्य कौन बता सकता है. नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है मैरिड वुमेन अप्लाई वर्मिलियन. जो हिंदू स्पेशली इन हिंदू जो शादीशुदा औरतें होती हैं वो अपने सिर में सिंदूर लगाती हैं, तो इसी को बोलते हैं मैरिड वुमेन अप्लाई वर्मिलियन. शादीशुदा महिलाएं सिंदूर लगाती हैं. तो डियर फ्रेंड्स, दीज आर सम सेंटेंसेस. इसी प्रकार के सेंटेंसेस को आप बार बार पढ़ करके, बार बार सुन कर करके या बार बार लिख लिख करके इन प्रकार के सेंटेंस आपके पास हो सकते हैं जिनकी हेल्प से आप इंग्लिश बोल सकते हैं. आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे. यदि पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग.